पूजक हैं श्री चंद्र गंगवाल, श्रीमती राजकुमारी गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री विकास गंगवाल, श्रीमती सुषमा गंगवाल, श्री आकाश गंगवाल, श्रीमती शालिनी गंगवाल, पुत्री एवं दामाद श्री सुनील, श्रीमती ऋतु बड़जात्या, गांधीधाम गुजरात एवं शिलांग मेघालय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। दिग्विजय के लिए जब भरत चक्रवर्ती गए थे, क्रमशः 3 और अंतिम 3 इस प्रकार 6 कंधों के ऊपर विजय प्राप्त करके वे लौट रहे हैं। यह निश्चित है युग के आदि में वे आदिम चक्रवर्ती माने जाते हैं। पहले से ही सब लोगों को ज्ञात हो गया था यही चक्रवर्ती बने होंगे, किंतु मन की लीला अपरंपार है। जब ये ज्ञात हो गया कि मैं चक्रवर्ती बनूंगा तो आज बन गया हूँ, क्योंकि 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करने का नाम चक्रवर्ती और 3 के ऊपर विजय प्राप्त करने का नाम अर्धचक्री माना जाता है। एक को चक्रवर्ती कहते हैं और एक को नारायण कहते हैं। ये सब बातें याद है, ज्ञात है, किंतु कई स्थानों में इन चक्रवर्तियों के द्वारा कुछ ऐसी गलतियां भी हो गई हैं जो हम तुम व्यक्तियों के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि चक्रवर्ती तो एक समय पर एक स्थान पर एक ही होता है। लेकिन चक्रवर्ती गलती कब करते हैं वो तो सभी लोग जान सकते हैं। अब चलिए, मंत्री महोदय को कहा, मंत्री जी जिस लक्ष्य को लेकर के हम चले थे वो लक्ष्य तो पूर्ण हो गया, अब लोग आगे ये समझेंगे तो उसके लिए कुछ लेख, शिलालेख जिसको बोलते हैं, तैयार कर दिया जाए। हाँ हाँ, आप कह रहे हैं और आप चक्रवर्ती हो ही गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और वहाँ पर ऐसे शिलालेख उल्लेख किया जाए कि युग के आदि में ऐसे चक्रवर्ती हुए थे। ये स्पष्ट नहीं होता है कि एक ही चक्रवर्ती पहले जो होते हैं उन्हीं का नाम वहाँ पर लिखने का शिलालेख में प्रावधान है या सारे सारे। संभव है सभी आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि 12 चक्रवर्ती, हाँ हाँ 12 चक्रवर्ती होते तो वो भी, उनका भी नाम आना चाहिए। तो वहाँ जा कर के प्रशस्ति लेख विजय विद्यार्थ के ऊपर दो एक स्थान है, उस स्थान में इनका नाम उल्लेख किया जाए और उस स्थान को
देखने के लिए चले गए और व्यवस्थित करके हमें इसको लिखना है क्योंकि चक्रवर्ती की आज्ञा है। मंत्री लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और बुद्धि का उपयोग वे समय समय पर करते रहते हैं, किंतु उसके बुद्धि के उपयोग करते समय वे अवश्य सब लोगों के लिए ये काम में आ जाए, इस प्रकार उन्होंने काम किए हैं। तो चक्रवर्ती के नामोल्लेख के लिए उनके आगे पिताजी माँ आदि आदि कुछ लिखा तो होगा, जैसे अभी प्रशस्ति पत्र में लिखा जाता है। जा करके देखा वहाँ पर भरत चक्रवर्ती के अकेले नाम लिखने के लिए भी स्थान नहीं था। अब इतने बड़ा पर्वत है, स्थान है, बड़ा काम हुआ है, बड़े चक्रवर्ती के द्वारा हुआ है और एक प्रकार से तीर्थंकरों के द्वारा कहा हुआ है, यही 12 होंगे, बाकी कोई नहीं होंगे। उसमें ऐसा नहीं कि कुछ पैसा दे करके टिकट खरीद लिया जाए, जैसे आजकल प्रचलन में खुल्लम खुल्ला तो नहीं है, लेकिन फिर भी वह रहस्य की बात खुल जाती है। ये कौन सा ज्ञान है? इसी का नाम हे उपादेय समझने वाला ज्ञान होता है। जब चक्रवर्ती के नाम मात्र लिखने के लिए भी जगह नहीं है, अब कैसे लिखा जाए? बुद्धि तो चल रही थी लेकिन अपनी बुद्धि यहाँ पर काम नहीं आएगी, चक्रवर्ती को ये पूछा जाए। और दोनों हाथ जोड़ करके वो पूछता है, स्वामिन हाँ क्यों, क्या काम हो गया? हाँ वही चल रहा है, सारा तैयार हो गया है, आप नामोल्लेख मात्र प्रशस्ति में लिखना है, किंतु थोड़ी आवश्यकता पड़ी इसलिए मैं थोड़ा सा संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। ऐसे कौन सा संदेह हो गया तुमको? नहीं, संदेह स्पष्ट तो है लेकिन फिर भी आपका क्या और आशय है? ये देखने के लिए मैं आया हूँ, और भी आपका आशय हो सकता है? और कोई आवश्यकता है ही नहीं, एक ही मात्र है कि वहाँ पर प्रशस्ति पत्र लिखे जाए। हाँ लिखने के लिए तो गए थे हम और शिल्पी वगैरह सबको तैयार हो गए हैं, किंतु किंतु क्या है? तुम्हारी ने अधिकार दे दिया, आदेश दे दिया, करो, पर विलम्ब हो रहा है। किंतु सब कुछ है, इसमें कोई संदेह नहीं, आपका वैभव अपरंपार है, किंतु पहले भी ऐसे चक्रवर्ती बहुत हुई हैं। चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती होता है, वो इतने नामोल्लेख उसमें प्रशस्ति में लिखे गए हैं। अब स्वामिन नए सिरे से किसी एक का नाम वहाँ पर जोड़ने के लिए जगह नहीं है, अब आप आज्ञा दो तो मैं इसी प्रकार आज्ञा का पालन करूँगा। चक्रवर्ती को वैसे पसीना नहीं आता, महापुरुष है और उन महापुरुषों में भी ये महापुरुष है,
चक्रवर्ती कहलाता है तो तीर्थंकरों के सुपुत्र भी हैं। अब प्रथम चक्रवर्ती कौन कहाँ हुआ, उस शिलालेख के ऊपर जगह ही नहीं थी। चक्रवर्ती ने बहुत सोचा, अब क्या करें, इतना बड़ा काम हुआ है, विजय प्राप्त हुआ है, लेकिन वहाँ पर जगह लिखने के लिए जगह ही नहीं है, तो कहाँ लिखा जाए, इसमें क्या बात है। ऐसा करो, उनमें से एक का नाम साफ कर दो, फिर क्या सोचना, उनमें से एक का नाम, अब अंतिम नाम या पहले नाम, क्योंकि पूरा हो गई शिलालेख लिखा हुआ है, नीचे भी जो लिखा गया है वह भी मेरे से पहले हुए है, और इन सबसे एक एक ये करते चले जाते हैं। सर्वप्रथम जो नाम लिखा गया है उसके बाद भी लिखे गए हैं, और सुनते हैं कि और भी नाम होंगे तो कहाँ लिखा हुआ है, ये तो लिखने वालों की संख्या इतनी हो गई। लेकिन जब कभी भी चक्रवर्ती आया, उनकी प्रशस्ति लिखने की बात हुई, तो इसी प्रकार की समस्या आ गई होगी। कैसे भी हो, हमारे चक्रवर्ती तो हमारे चक्रवर्ती हैं, हमारे कार्यकाल में हुए हैं, ऐसा कर लो पहले वालों का नाम ही, क्योंकि काफ़ी वर्ष हो गए उनको, जीर्णोद्धार के लिए स्थान ही बनाना है तो हम नीचे क्यों करें, यूं देखना पड़े तब देखेंगे लोग। उन्होंने उसका नाम मिटाने का इरादा किया। दूसरे के अस्तित्व को नकारना यह तीव्र नाम कर्म के मान कर्म के उदय के बिना संभव नहीं है। महाराज किसी भाव में मुक्त होने वाले हैं, महापुरुष हैं, और उनको भी पसीना आ गया अपने नाम उल्लेख लिखते समय, उस पसीना को पहुंचने वाला भी कोई नहीं था, साहस भी नहीं था। ऐसा भी कार्य हो सकता है क्या, या इसे कौन सा कर्म का उदय है जो अंतर्मुहूर्त में जिन्हें संन्यास धारण करने के उपरांत केवल ज्ञान होना है, और सुनते हैं मान कषाय के अभाव के बिना वह हो नहीं सकता, अभी यही भूत जैसा बैठा हुआ है, अब इनको कब होगा, और अनंत और अनर्थ और हो गया। अपने को तो सोचना नहीं चाहिए बड़ों के बारे में, जो कुछ भी लिखा है वह जनवानी है, वो तो हमारे द्वारा लिखा हुआ नहीं, केवल ज्ञान में ही ये झलका हुआ था। सुन रहे हो, हाँ, केवल ज्ञान में। ऐसे घर में जो वैरागी कहलाते हैं, आज भी लोग कह रहे हैं उनको, लेकिन उन्हें ये भी पता नहीं है, ऐसा भी उनके पास भूत था जिसने दूसरे के नाम मिटाने के लिए अपना आदेश दे देता है। इन्होंने तो नहीं कहा, ऋषभनाथ ने,
लेकिन यह अवश्य कहा, कोई भी चक्रवर्ती है उसके भूत को उतारना हो तो उसके लिए ये कहना आवश्यक है कि तुम्हारे जैसे सीनियर, आप तो जूनियर है, आप बैचलर है, मतलब बच्चे हो, ये तो बहुत प्रौढ़ है। किंतु मैं समझ रहा हूँ इसमें कोई अंत है ही नहीं, लेकिन फिर भी यह अप्रत्याख्याना वरण, अप्रत्याख्यान का अर्थ द्वेष संयम होता है, आवरण का अर्थ होता है उस संयम को मिटाने वाला। इसीलिए वह सोचता है निकाल दो उस नाम को और हमारे नाम लिख दो और चलो, जब कभी भी दूसरा चक्रवर्ती आएगा तब तक तो यहाँ पर कोई आने का नाम ही नहीं, वह भी सोचेगा। मतलब ये ऐसे अप्रत्याख्यान के उदय में दूसरे की प्रशस्ति को समाप्त करके अपनी प्रशस्ति को चंद्रमा के समान उज्जवल रखने का साहस करता है। ध्यान रखो, ऐसे चंद्रमा के सामने जो कि देवता माने जाते हैं, थोड़े तो सोच लेते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा में दाग है, उसी प्रकार चक्रवर्तियों के इतिहास में भी अप्रत्याख्यान के शाही के द्वारा लिखा हुआ दाग है। आज भी वह शास्त्रों में उल्लेखित है और यह अनंत काल तक रहेगा। जब कभी भी द्वादशांग की रचना होगी, पुराणों के लेख होंगे, उसमें 63 शलाका पुरुषों में भरत चक्रवर्ती का नाम भी आएगा। इतना ही मैं कह करके अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान इन दोनों भूतों को भी स्वयं ही अपने हाथ से मिटा दे और वहाँ पर केवल ज्ञान की प्रशस्ति लिख दे, ये बुद्धि भगवान हमें प्राप्त हो जाए, हमें ऐसे चक्रवर्ती भावना होने की जो हुए है वो जाने, लेकिन हम तो इस प्रकार के दूसरे की प्रशस्ति को हम और प्रशस्त लिखने का प्रयास करें, यही एकमात्र सत्य है। प्रमोदय। ओम नमः देव्यः, ओम नमः देव्यः, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं और उनके प्रतिफल परिणाम भी भिन्न भिन्न निकलते हैं। उसी प्रकार धार्मिक अनुष्ठान के भी परिणाम भिन्न भिन्न तरह तरह के विशेषता को लेकर के मिलते हैं। इतना अवश्य है वह परिणाम देखने को उपलब्ध तब होते हैं जब वह व्यक्ति अनुष्ठान करने वाला वहाँ पर जा कर के जन्म ले लेता है।
उस व्यक्ति को देख करके कई प्रकार के मन में परिणाम आ सकते हैं। हम भी इसी प्रकार यदि करते तो संभव था परिणाम हमें भी मिल जाते। ऐसा प्रसंग हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि 16 स्वर्ग होते हैं और 16 स्वर्ग को प्राप्त करने वाले जो होते हैं वे सम्यक दृष्टि ही हो नियम नहीं, किंतु कुछ ऐसे क्रियाएं वो करते हैं जिनके साथ सम्यक दर्शन नहीं होते हुए भी उन्हें अगले जीवन में कल्पवासी होने का सौभाग्य प्राप्त होता। आप महाराज सौभाग्य कैसे कह रहे हो, ये तो सामान्य स्वर्ग की बात है। समय पर इसका फल आपको ज्ञात हो जाएगा। यह 16 स्वर्ग तक तो हम चले गए और वहाँ पर मिथ्यात के साथ होते हुए भी कुछ अनुष्ठान उन्होंने यहाँ पर से किए हैं जिसको प्रतिमा बोलते हैं। उन प्रतिमाओं के पालन करने से उन्हें इस प्रकार के ऊपर जाने के फल मिल जाते हैं। अब एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पर किसी के ऊपर अधिकार नहीं चलाना और किसी से अनुशासित भी नहीं होना, ऐसे भी स्थान हैं और वो विशेष स्थान माने जाते हैं जिसको अहमिंद्र बोलते हैं। मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही राजा हूँ और मैं ही प्रजा हूँ, मेरे ऊपर किसी का अधिकार नहीं रहेगा। आप लोगों को कैसा लग रहा? महाराज जी बहुत अच्छा है। यहाँ पर तुलनात्मक देखते हैं, एक न एक व्यक्ति अवश्य नेता बन जाता है और उसके अंदर में रह करके काम करना पड़ता है। यही नहीं, वह स्वर्गों में भी होता है। महाराज वहाँ पर भी होता है? स्वर्गों में तो आप कल्पवासी कह रहे थे, तो कल्पवासी दूसरे कल्पवासी के लिए अंडर में कैसे रहेगा? हाँ रहेगा, जिसने जितना काम किया है लिखा है पेपर उतने ही तो नंबर मिलेंगे। उनको हमने वहाँ तक तो भेज दिया, वो अपने ही कार्य से गया, लेकिन वहाँ पर जाने के उपरांत किसी को घोड़ा बनना पड़ता है, किसी को हाथी बनना पड़ता है, किसी को हंस बनना पड़ता है, किसी को और बनना पड़ता है और किसी को सारे विमानों को घुमाना पड़ता है। कितने विमान हैं? असंख्यात विमान हैं। महाराज ऐसा कोई उपाय बनाओ, बताओ। हम अधिकार नहीं चाहते, लेकिन हमारे ऊपर अधिकार कोई न चलाए, ऐसा स्थान के लिए बता दो। जो जितने भी इंद्र होते हैं वो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, किसी से अनुशासित नहीं रहते, लेकिन कुछ लोगों को पाठ दिलाने के लिए उनको अधिकार दिया जाता है और वहाँ पर भी यह कार्यक्रम चलता। 16 स्वर्ग तक ये व्यवस्था चलती है और ऊपर ऊपर उनके परिग्रह यानी पंचेंद्र के विषयों के भोग सामग्री सामग्री तो कम होती जाते, क्वालिटी गुणवत्ता
उसको देखते ही रह जाए, वहाँ दूर बैठ जाए और यहाँ पर एक व्यक्ति पास बैठा है, इसकी जो है गंध सुगंधि जो इतर वगैरह लगा करके आए हैं तो उसकी भी गंध आती है, लेकिन वो बहुत दूर जो बैठा है उसकी गंध उसकी महक तो पूरी सभा को ही बार, हमारी ओर तो कम देखेंगे आप और अपने नासिका को वहाँ पर भेज देंगे। ये किसका चमत्कार है? वो यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार का अनुष्ठान किया। दूसरे के ऊपर जो अधिकार नहीं चलाना चाहता उसके अधिकार में वहाँ पर भी हजारों करोड़ों देवी देवता पलते हैं, किंतु वह एक स्थान जहाँ पर अहमिंद्री रहता, अनुशासन किसी के ऊपर नहीं करता और मिथ्या दृष्टि भी वहाँ पर कोई भी मान लो होते हैं वो भी किसी से अनुशासित नहीं होते। किंतु महाराज ये मिथ्या दृष्टि होकर के कैसे जाते हैं? जो व्यक्ति यहाँ पर रहते हुए भी मुनि बनने के बाद ही यहाँ से वहाँ जाएगा, उसके बिना कोई भी टिकट नहीं मिलेगा। एक दूसरा यह मिथ्या दृष्टि रहते हुए वहाँ तक कैसे गया? चूँकि वह लेशा शुक्ल होने से कारण और मुनि बन करके घोर तपस्या करने से यह परिणाम उसको मिला है। फिर भी वहाँ जो मिथ्यात् के साथ गया है वह उसके पास मिथ्यात् भी रहेगा, वह सम्यक दृष्टि कैसा बन सकता है? उपदेश तो वहाँ होता है इन्हें, कोई भी मुनि महाराज दया करके यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाए, छाये सम्य दृष्टि जैसे अथवा तीर्थंकर प्रकृति को जिसने बंद कर लिया वह वहाँ जा कर के उनको संबोधित करे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर संबोधन भी नहीं चलता, सब लोग अपने अपने विमानों में रहते हैं, प्रांगण भी बने हुए हैं उनके, लेकिन एक दूसरे उधर का उधर इधर का उधर कोई आना जाना नहीं। महाराज फिर किस काम का है वो? कोई बैठने के लिए नहीं आएगा, हम जा नहीं सकेंगे। और सुनते हैं वहाँ पर थाली में कोई भी रसोई वगैरह परोसी नहीं जाती है, रसोई को देखने से भी कई फल निकलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर वो नहीं देखते भोजन को। उनका भोजन गले में ही रहता बताते हैं, और मन में भाव आया नहीं, जब कभी नहीं आता, हजारों वर्ष के बाद में आता, फिर बाद में उसका थोड़ा सा रस आता है, लेकिन वह हजारों वर्ष के लिए इच्छाएं नहीं होती। ऐसे भी मिथ्या दृष्टि यहाँ से वहाँ हो करके हो जाते हैं, किंतु एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। दूसरे मान लो बारह भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, भक्तामय जी का पाठ कर रहे हैं, सास चर्चा आदि को कोई करेगा नहीं, लेकिन स्वयं बैठ करके कोई इस प्रकार के शास्त्रों का आलोड़न कर रहा, मंथन कर रहा है, उसकी ध्वनि को सुन करके नहीं समझे, वहाँ के आस पास में रहने वाले देवों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता,
और उनको भी सम्यक दर्शन उसके फल स्वरूप होता है। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः शिवतेभ्यः। ओम नमः शिवतेभ्यः। ओम नमः शिवतेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, कल्पवासी और अहमिंद्र देवों के विषय में कुछ विषय रखे थे। आज भी वही विषय, किंतु उसके पहलू अपने आप में हर एक व्यक्ति के साथ चिंतन का विषय बन सकता है और प्राय करके हम पर के विषय को भी यदि लेते हैं वह अपने साथ भी घटित हो सकता है और अपने विषय को भी हम दूसरे व्यक्ति के विषय के साथ घटित कर सकते हैं। लिखना पढ़ना और पढ़ाना आदि आदि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में होती रहती है। मोक्ष मार्ग में भी इससे कुछ अलग नहीं होता, वह अपनी विधा अलग है। और बिना किताब और बिना लेख लिखना ये उस सब कुछ उसके साथ घटित हो सकता है। खर्चा भी बच जाता है और आज का तो सिर दर्द सबसे बड़ा खर्चा का ही है। आमदनी होती नहीं और दिनों दिन खर्चा बढ़ता जाता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। गलती तो हमारी है ये, हम खर्चा ज़्यादा करते हैं क्या होता है ये थोड़ा सा देख ले, काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेत्र ज्योति कई व्यक्तियों की कमजोरी के साथ चलती है और नंबर को देखने से लगता है सामने वाले व्यक्ति का आपसे भी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन काम ज़्यादा वो करते हैं और आप बातें करते हैं। ऐसा क्यों? जिसके लिए हमें समय देना चाहिए वह न दे करके हम दूसरे के लिए देते हैं तो खर्चा तो डबल होगा ही। यदि खर्चे के लिए अर्थ नहीं मिलता है तो सिर दर्द और ज़्यादा होगा, सिर दर्द होगा तो और खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। तो खर्चा आप हो रहा है क्या कर रहे हैं डबल, ये आप लोगों को सोचना है। और हम उसको चलते हैं स्वर्गों में, कई प्रकार के स्वर्ग होते हैं, कल कहा ही था। तो ये कि स्वर्ग के कुछ लोग समूह शरण में गए तो वहाँ पर समूह शरण में देवों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। जहाँ पर हमारे लिए बैठने के लिए स्थान मिला
वहीं पर दूसरी के लिए भी वो कुर्सी लगी हुई थी, उसको कुर्सी एक समझ ले, कोठी एक समझ ले, जो आप समझो। प्राय करके पास पास जो बैठे रहते हैं उसमें तुलना चालू हो जाती, इनके कपड़े लगते ऐसे क्यों हैं, इनके आभरण ऐसे क्यों हैं, इनके मुकुट ऐसे कैसे, इनके मुकुट में मणियाँ चमकीले ऐसे कैसे, और अपने को और देखते हैं तो हमारी ये मुकुट के मणियाँ जो इसके झिल्लियाँ भी नीचे पढ़ना चाहिए थी वह नहीं पढ़ती, और उनके देखते हैं तो बहुत दूर तक वह अपना प्रभाव डालती रहती है, हमेशा हमेशा उन्हीं के उन मणियों की झिल्लियाँ हमारी आँखों को शायद कमज़ोर कर रहे हो, उसके द्वारा हमारे आँखों का नंबर बढ़ रहा हो या घट रहा हो, हैं? ज़्यादा बढ़ना भी ठीक नहीं, बढ़ाना भी ठीक नहीं, इसलिए आप जो अपने पाठ्यक्रम में नहीं हैं उसके साथ तुलना करने लगे तो कोई बात नहीं, तुलना तो करो, क्योंकि पहले कक्षा पार करो फिर इसके उपरांत तुलना करो तो आपके थीसिस का महत्व भी बढ़ जाएगा। आज हो ये रहा है, पहले तुलना करते हैं फिर बाद में वो ठीक नहीं है। आप दूसरे व्यक्ति की वस्तु के साथ तुलना कर न करके अपने वस्तु के साथ भी कर सकते हैं, वह विषय आपके सामने दे रहा हूँ, पसंद आए तो रख लेना और यदि समय मिल जाए तो उसको बार बार सोच लेना। अब ये सब कुछ उन्हें कर लिया, निर्णय ये करता है कहीं न कहीं समोचरण में पक्षपात हो रहा है, क्योंकि पक्षपात का जमाना आज भी है तो पहले भी था, पक्षी उस समय में भी पंख वाले ही होते थे और इस समय में भी पंख वाले हैं, लेकिन इनके पंख बहुत ढीले ढाले हैं, उनको अच्छे ढंग से वो उठा भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों? बड़े पंख लगाने से ऐसा होता है, पंख को ज़्यादा बढ़ाओगे तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, हाँ, और उसके पेट्रोल भी बहुत खर्च होता है। आपका ऐसा ही चल रहा है, फिर वह सोचता है कि पक्षपात यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हो रहा है। उसने एक प्रश्न ही भेजा किसी के माध्यम से, कुछ लोग बहुत चतुर होते हैं, प्रश्न अपना रहता है लेकिन वाहक व्यक्ति दूसरा रहता है, पता नहीं लगता, लेकिन पता तो स्वयं को तो लग ही जाता है। ये पूछो, यहाँ पर भी कुछ पक्षपात की बातें देखने में आ रही है, इसमें गलती किसकी है? मुखिया तो सौ धर्मेंद्र है, अपने अपने परिवार वालों को, अपने अपने स्वर्ग के लोगों को ये बिठा देते होंगे, लेकिन एकदम आरोप लगाना तो ठीक नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे के माध्यम से लगा दिया। फिर वहाँ से अपने आप ही ध्वनि इसके उत्तर के रूप में आ जाती है, अच्छे हैं ये लोग, पूछने में कमज़ोर है
दूसरे के माध्यम से करते हैं, इसमें भी डबल खर्च होता है, ये उन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए कि वह भगवान कहने लग जाएंगे तुम लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा, जिस समय धर्म कर्म करते रहे उसके लिए जैसे आप अष्टमंगल द्रव्य चढ़ाते हैं ना, चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं, वो हमने सुना था इसलिए जो करते हो आपके सामने रखता हूँ। उसके चावल भी आप चढ़ाते हैं और बादाम भी चढ़ाते हैं, फल छुआरा भी चढ़ाते हैं और लौंग भी चढ़ाते हैं, केसर भी चढ़ाते हैं, इन सब वस्तुओं के कुछ डुप्लीकेट क्या बोलते हैं तुलनात्मक दृष्टि से आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, अरे चढ़ाना है, ये भगवान बन गए वो तो ये खाएंगे पियेंगे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए ये चढ़ाने के द्रव्य अलग है और इधर चढ़ाने के द्रव्य आपने दूसरे बार में तालियां बजा दी, पहले बार में क्यों नहीं बजाई? समोसर में भी चर्चा होती है क्या, क्यों नहीं होती? उसी के बारे में मैं आगे बता रहा हूँ। तो चावल खाने के अलग है, चढ़ाने के अलग है, और केसर जो कौन से वो फूल होते हैं, हार और श्रृंगार, हार श्रृंगार फूलों के वह केसर चढ़ाने के लिए है और यहाँ के लिए कश्मीर, कश्मीर से विदाइट से भी आ सकती वह केसर, उसकी सेवन करने से शरीर अपने आप में ही बादामी कलर का हो जाता है। हाँ ये तो बात हो गई, तो यह अपने आप में इनके जो शरीर है कुछ न कुछ खाते होंगे पीते होंगे तभी इसने, हाँ बिल्कुल ठीक है, उनके खाने के चीज़ों में, पहनने के वस्तुओं में, देखने के वस्तुओं में, वाहनों के वस्तु में, वस्त्रों के अपेक्षा से, भवनों के अपेक्षा से, इस प्रकार इनकी वस्तुएं हमसे ज़्यादा अलग गुणवत्ता लिए क्यों हैं, ये कौन से दुकान से ले आ रहे हैं? सोचा तो उत्तर मिलता है, तुमने इसी प्रकार के पूर्व भाव में खरीदे, वो आज काम में मिल रहे हैं, धर्म के लिए तो तुमने घटिया रखा और खाने के लिए तुमने बढ़िया रखा, ये परिणाम निकला। पूजन में भी भावों के बाद होना चाहिए वह अलग, और अपने आप से जो चर्चा वगैरह जो होते मनोरंजन उसमें अलग, ये सारी सारी हमारी मनोमीमांसा यूँ कहना चाहिए, इस बहुत लंबी चौड़ी है, आप लोगों को भी फुर्सत है ही नहीं और हमारे पास तो समय बहुत ही कटौती से चलता है।
इतना ही कहना चाह रहा हूँ, अब जब ये आ गया कि आपके मन में दो बातें हैं, इसलिए ये सामने सामने बातें आ गए। आप समझ रहे हो, आप उनसे भी बढ़कर के निचाम करना चाहते हैं तो मिल सकता है, लेकिन दिखावट नहीं। ये दिखाने की जो बीमारी है, इसमें कहीं पेट तो भरता तो है ही नहीं, दिखा दिया, खा दिया तो कम से कम पेट भरे, अब दिखा दिया तो कई लोगों के पेट जो है ना दिखाने से भरते हैं, अच्छे हैं वो पेट, बिना खाए भी भर जाते, लेकिन जब चक्कर आ जाते हैं तो जब पेट भरने के उपरांत चक्कर क्यों, ये चक्कर क्यों आ रहा है, ये महाराज शुगर की बीमारी होने से ऐसा। अरे हमने तो आज तक नहीं सुना था शुगर की बीमारी, हमने तो ये सुना था जब गुड़ की बीमारी शुगर की बीमारी को मिटा सकती है तो ऐसा क्यों नहीं करते हो आप, बोलो महाराज। ये तो आपने नई बात बता दी, बिल्कुल ये आपकी ही बात है, गुड़ के द्वारा शक्कर की बीमारी ठीक हो जाती। हमारे आचार्यों ने गुड़, खांड, शक्कर और अमृत, ये चार प्रकार के कर्म के फल बताए, बताए ना, थोड़े से गोमट सार वगैरह पढ़ाया करो। हाँ, तो ये चार प्रकार के जो अनुभाग होते हैं, इसमें गुड़ को नीचे रखा और शक्कर को या खांड को दूसरे नंबर पर रखा, तीसरे नंबर में शुगर को रखा, शर्करा, अब अंतिम नंबर में क्या रखा, अमृत रखा। लेकिन हमने सोचा है अमृत भी मीठा होता है तो शक्कर की बीमारी वहां पर भी होना चाहिए, नहीं होते, ये तो ज्यादा होना चाहिए, बल्कि गुड़ से कम होती है, होती नहीं। और जैसे जैसे ये अनुभाग बढ़ते चले जाएंगे तो मिठास ज्यादा होगा, तो स्वर्ग में हमेशा हमेशा सभी लोग शक्कर की बीमारी से ही झूलते होंगे। तब मालूम पड़ा कि यह वस्तुतः है हमारी गलती है, हम भावों में घटिया हो जाते। गुरु तो गुड़ रह गए, नहीं सही ऐसा आता ना, हमने सुना है आप ही लोगों के मुख से, गुड़ तो गुरु होते हैं, गुरु तो गुड़ होते हैं और चेला शक्कर। आज जितने भी चेले हैं नहीं समझे, ये एक प्रकार से गुड़ से भी आगे के, वो शक्कर की बीमारी आ गई, बढ़ती जा रही। महाराज इसको पेट में था तभी तो शक्कर की बीमारी हो गई, हाँ पेट में था तभी से चश्मा लग गया था, और पेट में था तभी से बैंक में इसके लिए एडवांस में। भाग्य है इसका, स्थिति कुछ अलग है। जब ये तुलना करते हैं हमारे दोष ही सामने आ जाते हैं। जब यह दिव्य ध्वनि के द्वारा
स्पष्ट हो गया, जिसकी शंका दूसरे के माध्यम से दी गई थी, वह सोचता रहा कि ये तो हमारी पूरी पूरी बात ही आ गई, गलती तो हमारी है, ये इनकी कोई गलती नहीं है। तो इस प्रकार का काम हमारे परिणामों के द्वारा होता है, हमारे परिणामों के द्वारा कर्मों के फल हमारे सामने आ जाते हैं, और उस समय पंगत में बैठने के उपरांत अपनी थाली की ओर कम और दूसरे की थाली की ओर ज़्यादा क्या दृष्टि जाती है। दृष्टि भी बहुत चानी है, हाँ, आपको अपनी थाली की ओर देखना चाहिए। इसीलिए आचार्य ने कहा है, तुम अपने अंजलि बना लो, बस उसी ओर देखो, हाँ, दूसरे की ओर नहीं देखना। लेकिन बड़े बड़े सेठ साहूकार भी दूसरे की थाली की ओर ज़्यादा देखते हैं, हाँ, अपनी थाली सोने की है, वो तो दिखावट है, खाने की नहीं। ऐसा हो रहा, इसलिए हमें अब अपने दृष्टि को प्रशिक्षित करना है। दूसरे से प्रशिक्षित हो या ना हो, किंतु अपने को दृष्टि को प्रशिक्षित करने के लिए कोई विद्यालय नहीं खुल रहा है। ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाओ, कोई भी विद्यालय मिलता नहीं महाराज। यहाँ पर आ जाओ और सुन दो और चले जाओ, अपने आप ही आ जाएगी विद्या। समोसरणी इसीलिए है, महाविद्यालय है वो, विश्वविद्यालय है वो, सब प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाते हैं, तब उसको ज्ञात हो। इसको बोलते हैं देवों में आपस में यह तुलनात्मक जब चर्चा होती है, उसको देवर्धि दर्शन, सम्यक दर्शन बोलते हैं। दूसरे के रिद्धि को देख करके भी आप अपने सम्यक दर्शन को सुधार सकते हो, और आगे के लिए अपने सम्यक दर्शन को और पुष्ट बना सकते हो। इतना पर्याप्त है, पेट भर गया, हाँ, अब दोबारा जो भोजन और करेंगे उसके बीच में आचार्य ने कहा कम से भी गृहस्थ है तो 3-4 घंटे का अंतराल रखे, और योगीराज महाराज हैं तो वे 1 दिन का अंतराल रखे। फिर भी ज़्यादा और चाहते हैं, जितने आप अंतराल रखोगे भोजन के बीच में, उतने ही आपकी तपस्या बढ़ेगी, और जिसके द्वारा अपनी रुग्णता क्यों पारना नहीं करना, हाँ, हो जाएगा। धारण और पारण, पार होना चाहते हो तो अपनी दृष्टि को आप बहुत ही मांझो, और उसके द्वारा आगे पढ़ो। सामने वाला व्यक्ति भी कहेगा कि आपने हमारी ओर देख करके अपनी दृष्टि सुधारी, तो अब हम आपके दृष्टि को देख करके और आगे बढ़ेंगे, हमारा तो स्वर्ग दूसरा और बढ़ेगा। और उस समय आप अब ऐसा नहीं करियो, हम और दोनों हाथ मिलाओ होगा, पक्की बात है ये।
इसलिए आप लोग एक एक सम्यक दृष्टि को बढ़ाते 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 चले जाओ, पढ़ाने की बात नहीं है, केवल हम अध्ययन करें। अध्ययन में हमेशा हमेशा स्लेट बढ़ता कागज़ वो ये कोई आवश्यकता नहीं। अधि अयनम इति अध्ययनम, अधि आसमंतात निकट रूपेण अयनम गमनम इति अध्ययन कहलाता है। इसलिए हम अपने आप को अध्ययन का विषय बनाएं, इतना ही पर्याप्त है। बच्चे हमेशा हमेशा हाथ का खाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमें और ये तो उनकी आदत पड़ी हुई है, शुरुआत से लेकर के आए हैं, खाओ तो सही, पेट तो भर नहीं रहा अभी, नहीं समझे हाथ, क्योंकि हाथ भरा हुआ है तो पेट खाली रहेगा। इसलिए आप भूख बढ़ाइए, फिर तो क्या, ये क्यों, दोनों हाथ से आप खा सकते हो। यहाँ पर कौन कौन बताओ, हाथ उठाओ, दोनों हाथ से खाता, हम लोगों को छोड़ करके, अहिंसा पर धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री चंद्र गंगवाल, श्रीमती राजकुमारी गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री विकास गंगवाल, श्रीमती सुषमा गंगवाल, श्री आकाश गंगवाल, श्रीमती शालिनी गंगवाल, पुत्री एवं दामाद श्री सुनील, श्रीमती ऋतु बड़जात्या, गांधीधाम गुजरात एवं शिलांग मेघालय।